मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग कल इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी की बात कर रहे थे और इतिहास की कितने कालों में काल में विभाजन और किस प्रकार से इतिहास को जो है स्पष्ट रूप से पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बात हुई थी। आज हम चैप्टर 1 में भारतीय इतिहास का वैभवशाली अतीत, भारतीय इतिहास का वैभवशाली अतीत के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं। भारतीय इतिहास का वैभवशाली अतीत, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि भारतीय इतिहास एक बड़ा विषय है और इसको तीन भागों में बड़े रूप में बांटा गया है। मैं बात करता हूँ कि भारतीय इतिहास का वैभवशाली अतीत, वैभवशाली का अर्थ ये होता है कि भारत में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं कि उन घटनाओं पर हमें गर्व महसूस होता है और वो चीज़ें हम अपने विषय में शामिल करें और विद्यार्थियों के साथ उस अनुभवों को साझा करें। सबसे पहले भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी बता दूं कि इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जो अवशेषों तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था इतिहास में ऐसा भी समय था जब किसी प्रकार का कोई लिखित अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ था। इतिहास में ऐसा भी समय देखा गया है जब लिपियां थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, और ऐतिहासिक का एक ऐसा काल आया था जिसमें हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्रकार के स्रोत जो है वो प्राप्त हुए। मैं मोटे रूप में दो भागों में इसको बताऊंगा आपको कि जानकारी के स्रोत जो है वो किन अवशेषों से, किन स्रोतों से हमें मिलते हैं। तो पहला जो है वो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम इतिहास का लेखन करते हैं, हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ये दो मोटे भागों में बांटा गया है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। देखिए, लेखन रूप में अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत की बात हो सकती है, अगर हम पुरातात्विक के बारे में बात करें तो बहुत सारे अवशेष, मृदभांड, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो पहला पॉइंट है, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन का अर्थ होता है कि जब इतिहास को लिखने के लिए विभिन्न ऐसे ऐसे जगहों पर जहां सभ्यता संस्कृति के प्रमाण मिले और वहां खुदाई हुई है, उत्खनन का अर्थ खुदाई से होता है, और खुदाई में प्राप्त जो पूरा अवशेष है, पूरा अवशेष यानी पुराने अवशेष, इन अवशेषों के आधार पर हम विभिन्न राजाओं के बारे में, उनके काल, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है अभिलेख, किसी राजा ने अपने काल में क्या किया है, कौन से युद्ध जीते हैं, किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है, कौन से अभिलेख का निर्माण उनका लेखन करवाया है, वो हमें इन अभिलेखों के माध्यम से, उसमें अभिलेखों में विभिन्न शिलाओं पर लेख लिखे जाते थे, कई प्रस्तुतियों का निर्माण करवाया जाता था, और वो अभिलेख जब खुदाई में प्राप्त हुए और उन पर जब हमने लेखन जो है उसका अध्ययन किया, हमें ये पता लगा कि किस काल में
कौन से राजा ने किस प्रकार की विजय हासिल की थी, कौन से इमारतों का निर्माण करवाया था, ये सारी उस काल की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे कि हम इतिहास का लेखन करते हैं उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा जो बिंदु है वह है सिक्के। अगर किसी राजा के विजय के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो उस काल के सिक्के उनका और उन पर जो अंकित लेखन है उनका उनके बारे में जानकारी हासिल करनी महत्वपूर्ण बिंदु है। सिक्के अलग अलग काल में अलग अलग धातु के सिक्के जो है वो डलवाए जाते थे। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त काल में कई राजाओं ने अपने काल में सिक्के डलवाए और वह उनके विजय का प्रतीक थी, उनके सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हुआ करते। चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, स्मारक और भवन। स्मारक आज हम विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की बात करें तो वह एक ऐसा स्मारक है, एक ऐसा बड़ा उदाहरण है इतिहास का जो उस राजा उस शासक के काल का चश्मदीद गवाह है। उस समय की चीजें, उस समय की उपलब्धियां, उस समय की कहानियां उस इमारत से प्रतीत होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। साथ ही कई स्मारक बने हुए हैं, जैसे अशोक के काल में सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्तूप लगभग छोटे मोटे अगर अपन कहें तो 84,000 से ज्यादा स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ था। तो इन स्मारकों और भवनों के माध्यम से हम लोग या कई इतिहासकारों ने इतिहास लेखन करवाया। पांचवा जो बिंदु है उसमें मूर्तियां शेर चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं मैं, उसकी खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई थी और उन मूर्तियों के माध्यम से यह पता चलता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजन करते हैं और माता देवी उपासक हैं। साथ ही शेल चित्र, शेल यानी चट्टान, चट्टानों पर चित्र उकेरे जाते थे और उन चित्रों को देखकर ही लगता था कि उनकी संस्कृति और सभ्यता जो है किस प्रकार की है। साथ ही कला और अन्य कलाकृतियां। चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, कई प्रकार की कलाओं का निर्माण हुआ है और ये भारतीय इतिहास को पूरे विश्व में एक अलग पहचान देता है। मूर्तियां, मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, बुद्ध, भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, जैन धर्म में कई मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन मूर्तियों के माध्यम से हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। शेर चित्र, चट्टानों पर चित्र उकेरे जाते हैं और साथ ही कला और अन्य कलाकृतियां, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी ये सारे जो स्रोत हैं यह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उत्खनन से यानी उदय में जितने भी अवशेष मिले हैं वो इतिहास से संबंधित रखते हैं, अभिलेखों में कई प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, साथ ही सिक्के, कई राजाओं के काल में अलग अलग धातुओं के सिक्के जो है डलवाए जाते थे। स्मारक और भवन ये भी इतिहास की जानकारी देते हैं हमें, साथ ही मूर्तियां, शेर चित्र, कला और अन्य कलाकृतियां, ये भी संपूर्ण जानकारी हमें इतिहास की देते हैं, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब हम एक बड़े बिंदु की तरफ चलते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका वो है साहित्यिक स्रोत। जब साहित्यिक स्रोतों का निर्माण होने लगा तो इतिहास जो है वो अलग मार्ग की तरफ बढ़ने लगा। साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न साहित्यों का निर्माण, लेखन का निर्माण करवाया जाता था। साहित्यिक स्रोतों को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला, देखिए साहित्यिक स्रोतों को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। तीन भागों में पहला जो है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य क्या होता है, धर्म से संबंधित जितने भी साहित्यों का निर्माण हुआ है, जितने साहित्य लिखे गए हैं वो धार्मिक साहित्य से संबंधित है।
धार्मिक साहित्य में पहला जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ब्राह्मण साहित्य। भारतीय इतिहास में वैदिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल हुआ है और वैदिक काल में कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है। आर्यों ने सबसे पहले वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी और इसमें कई सारे ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया है और उस समय की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, वहाँ की वहाँ का इतिहास जो है वो हमें इस साहित्य के माध्यम से पता चलता है। इसका दूसरा जो भाग है धार्मिक साहित्य का, वो वैदिक साहित्य की वैदिक सभ्यता के बाद जो धर्म आया था बौद्ध धर्म और उसी से संबंधित है बौद्ध साहित्य। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उनके जीवन काल के बारे में, उनकी तपस्या, उनके उपदेश, उनकी कई सीख जो इस दुनिया में लोगों को धर्म की तरफ आकर्षण करती है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। तीसरा जो इसका भाग है वो है जैन साहित्य। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे और इसमें मुख्य रूप से महावीर स्वामी, इन्होंने अपने काल में जैन धर्म में संपूर्ण उन्नति की तरफ और कई सारी उपलब्धियां जो है हासिल की और इसमें कई सारे ऐसे साहित्य ग्रंथ लिखे गए जो जैन धर्म को जो है एक भारत भारतीय बड़े धर्म की तरफ ले जाते हैं। तो हमें इन धार्मिक साहित्यों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा ब्राह्मण साहित्य किस प्रकार है, बौद्ध साहित्य किस प्रकार है, जैन साहित्य किस प्रकार है। साहित्यिक स्रोत में पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य में कौन कौन से ग्रंथों का समावेश किया गया है ये मैं आपको बता दूं। इसमें भी अपन अलग अलग पॉइंट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे पहला पॉइंट है ऐतिहासिक ग्रंथ। भारतीय इतिहास के काल में कई ऐसे राजा हुए जिनके काल में उनके काल से संबंधित उनका जीवन, उनकी विजय, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किया जाने वाला निर्माण, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथों में शामिल किया जाता है और वो धर्म से संबंधित होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अशोक का उदाहरण बताता हूं जिसने बौद्ध धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। कलिंग युद्ध उनका अंतिम युद्ध था, उसके बाद पूर्ण रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा जो पार्ट है विश्व साहित्य ग्रंथ है। विश्व साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारे साहित्य ग्रंथों का निर्माण होता है जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य, देखिए भारत जो है वो एक बड़ा बृहद देश है और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इतिहास का निर्माण हुआ है। मतलब ऐसी इतनी सारी घटनाएं घटित हुई है जिससे कि हमें क्षेत्र के आधार पर भी जो है अलग अलग साहित्य का निर्माण किया गया। अनेक विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने क्षेत्र साहित्य का निर्माण किया, उसी के आधार पर हमने इतिहास का लेखन और अध्ययन किया है। अब अगला जो पॉइंट है विदेशी विवरण। भारत के इतिहास को पूरे विश्व में अगर किसी ने फैलाया है तो ये विदेशी यात्री हैं, चाहे वो चीन से यात्रा करके आए हैं, चाहे वो दूसरे कई देशों से आए हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, चीनी यात्री फाइयान, फैनसांग, बहुत सारे यात्री जो भारतीय इतिहास को एक अलग पहचान देते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय हो, या कई ऐसे राजा हुए जिस चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें मेगस्थनीज आए, तो अलग अलग समय में अलग अलग विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारतीय इतिहास की सभ्यता, संस्कृति, समाज, रहन सहन ये सारी चीजों को अपने ग्रंथों में समावेश कर पूरे विश्व में जो है अलग अलग देशों में प्रसारित किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट होगा, वंशावली है। देखिए भारतीय इतिहास में आपके समाज में आपको बता दूं कि पुराने काल में बहुत सारे वंश होते थे और उन वंशों की वंशावलियां होती थी। कई ऐसे दरबारी कवि और कई ऐसे लेखक हुआ करते थे जो उनके वंश के बारे में वंशावलियां पढ़ा करते थे और उस वंश की उपलब्धियों का बखान करते थे, और वही इतिहास के स्रोत के रूप में जो है वह हमें संग्रहित मिलता है। इतिहास के स्रोत के विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज चैप्टर वन शुरू कर दिया, भारत का इतिहास का व्यवसाय अतीत, और इसमें हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्य और पुरातात्विक स्रोत को डायग्राम से हमने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे इन्हीं को बिंदुवार पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।